स्टार्टिंग दिस न्यू वीडियो विद आर न्यू यूनिट यूनिट टू एटॉमिक बॉन्ड. अब हम ब्लॉक टू पे पहुंच चुके हैं. ओके, इस चैप्टर में हम बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस यूनिट में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था. नाउ टाइम फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग. इसमें आप लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड्स की कैसे होती है, और फॉर्मल चार्ट्स के बारे में. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक नॉलेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जब दो एटम के बीच में इक्वली शेयर्ड होते हैं तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था. जैसे ये हाइड्रोजन एटम्स हैं दोनों, इनके आउटरमोस्ट शेल में वन वन इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दोनों ही शेयरिंग कर लेंगे और इक्वली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे. ठीक है, नाउ लुईस कंसेप्ट. सबसे पहले लुईस अपना कंसेप्ट लेके आए कोवलेंट बॉन्डिंग को लेके. तो उन्होंने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके दिया, बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल नोन टू अर्थ. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने वैसे ही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बताया था. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब दोनों के पास वन वन इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो बॉन्डिंग कर लेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में कंसनट्रेटेड होगी. अब जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लिया है वो उन जो अट्रैक्शन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन पर अट्रैक्शन लगाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो भी उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी और कोवलेंट बॉन्ड बीच में फॉर्म होगा. ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का केस था. और उन्होंने ऐसा कहा कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जा सकता है. जैसे फ्लोरीन के केस में हम देख सकते हैं या बीच में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको क्या कहेंगे हम, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी. अब मैनी इलेक्ट्रॉन्स जो जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट होते हैं, तो वहाँ पर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब जो है आपके लुईस स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं बॉन्डिंग उसमें इन्वॉल्व होंगे, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. जैसे कि फ्लोरीन का हम देख सकते हैं, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, इसके बाद लुईस स्ट्रक्चर ने क्या दिया, लुईस ने कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दी जो है आपके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की. जैसे लिथियम, इफ़ वी टेक फर्स्ट लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 डॉट से रिप्रेजेंट किया उसका 1 इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के केस में 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, एंड अप टू सो ऑन. तो एंड लास्ट में देख सकते हैं हम नियोन और आर्गन, ये दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. नोबल गैस मीन्स आउटरमोस्ट शेल फुली फिल्ड होगी, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंटेशन किया गया 8 डॉट्स का. ओके, तो ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर. इफ़ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, यू कैन ड्रॉ दिस सेम वे. लिथियम जो आपका सिंबल होगा उसको लिखिएगा, और जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने. आगे बढ़ते हैं. द लोन पेयर आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग बट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अफेक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. अब जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे इस केस में हम नाइट्रोजन का लेते हैं, नहीं हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर होगा, हाँ यस, इस केस में देखिए यहाँ पर HCN मॉलिक्यूल के केस में अगर हम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के पास 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खाली हैं, वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे. तो जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाएंगे, और जो बॉन्ड कर रहे हैं उन्हें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. इज इट क्लियर, हम वापस से चलते हैं यहीं पे. तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में, जैसा कि हमने देखा HCN के केस में वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में, बट वो एक मॉलिक्यूल की जो शेप है उसको अफेक्ट जरूर करते हैं. अब हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ट्राइगोनल होती है, लीनियर होती है, वो कैसे वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हम इसके बाद अब मूव करते हैं. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ये याद नहीं हो सीक्वेंस तो आपको इस फॉर्म में याद कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा. क्या करना है इसमें आपको, 1, 2, 3 से लेके अप टू सो ऑन जितने आपको लगने हैं. नेक्स्ट वाले स्टार्टिंग जो होगी वो 2 से होगी, फिर उसके नेक्स्ट 3 से होगी, फिर 4 एंड अप टू सो ऑन. अब यहाँ पर क्या होगा, आपको कट करते जाना है डायगनली. डायगनली कट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या कट होगा, सबसे पहले आपका कट होगा 1s, तो यहाँ पर आपका 1s कट हो गया. ओके, अब सेकेंड वाला कट होगा डायगनली, तो वो कौन सा होगा, 2s कट होगा.
ठीक है। अब जब तीसरी बार होगा तो क्या होगा, पहले 2p होगा और फिर 2 3s होगा, फिर और करेंगे तो क्या होगा, पहले 3p होगा उसके बाद 4s होगा। तो यही सीक्वेंस आप लिखते जाओगे, पहले आपने क्या कट किया 1s, फिर आपने क्या कट किया 2s, फिर 3p एंड सॉरी 2p, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 1s, यहाँ पर 2s, यहाँ पर 2p एंड देन 3s कट किया एंड अप टू सो ऑन, जितने जितने पहले पहले आप कट करते जाओगे वो आप लिखते जाओगे। ओके, इज इट क्लियर? तो ये था आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से और एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, नाउ जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग दिखाई है, नाइट्रोजन जो है वो आपका क्या होता है, ट्राइवेलेंट एटम होता है, मीन्स इसके जो थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं, बाकी के जो बचे होते हैं वो दो क्या होते हैं, लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी या कह सकते हैं तो वो उसकी सिर्फ 4 होती है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो खाली ही रहेगा, इट इज़ कंपलसरी। कोई भी उसमें हम देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर बनेगा ही बनेगा। लाइक इस केस में हम देखते हैं HNO2, अगर आपको कहें कि इसका लिव स्ट्रक्चर बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सबके एलिमेंट्स लिख दीजिए, सबके एलिमेंट्स लिखने के बाद उनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा सबसे पहले, हाइड्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऑक्सीजन, फिर आपने ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन लिख दिया, नाइट्रोजन की सॉरी ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। नाइट्रोजन के केस में 5, तो 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन ऑक्सीजन 6 1 2 3 4 5 6। अब आपको करनी है पेयरिंग, सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करिए, हाइड्रोजन की कितनी नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके संग पेयरिंग कर लेगा ऑक्सीजन के संग, हाइड्रोजन की नीड पूरी हो गई, ओके अब उसे हटा दीजिए, अब ऑक्सीजन की नीड पूरी करिए, ऑक्सीजन की नीड पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 और चाहिए, एक तो उसे ऑलरेडी मिल गया हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग करने से, एक किससे मिल जाएगा, नाइट्रोजन के साथ पेयरिंग करने से, तो अब ऑक्सीजन का भी एस वाले ऑक्सीजन की पेयरिंग भी हो गई, इसकी फुलफिलमेंट हो गई, अब इसे साइड में कर दीजिए, अब नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट करिए, तो इसमें क्या है आपका, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चाहिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग और, एक इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी हो चुकी है, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हो जाएगी तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन ऑल्सो काउंट हेयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, फिर दोबारा से ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और, तो इस तरीके से ये लिव स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, HNO2 का, एक एक करके पर्टिकुलर एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे एंड देन विल मूव अहेड। नाउ HCN के केस में H यहाँ पर 1 और कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के मैंने आपको बताया था 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 3 की पेयरिंग हो रही है और 1 की इसके संग पेयरिंग हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन की पेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एक कार्बन से ले लिया, एक उसका खुद का, यहाँ पर कार्बन की हो गई पेयरिंग, कैसे, 3 उसके 4 उसके पास ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन के संग पेयरिंग कर ली, 5 हो गए, 3 और नाइट्रोजन के संग पेयरिंग कर ली, 8 हो गए, अब नाइट्रोजन की भी फुलफिलमेंट हो गई, कैसे, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसने 3 के साथ पेयरिंग कर ली, 8 बन गए, इज इट क्लियर? नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत ईजी सा है, एक तरफ कार्बन और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट हो जाएगी और कार्बन की भी फुलफिलमेंट आराम से हो जाएगी। अब कुछ केसेस में आप ऐसा देखेंगे जो सेंट्रल एटम होगा, मतलब बीच का जो एटम होगा उसकी जो आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी है वो एक्सीड भी कर सकती है, आगे आने वाली वीडियोस में आप ये देखेंगे। ओके, हम अभी नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे इसको। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सी चीज़, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम्स, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीजेस, देयरफॉर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन हाइड्रोजन विल बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन। क्या कहने की कोशिश है इसमें, जितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स बढ़ते जाएंगे उतना उतना डिस्टेंस जो होगा वो कम होता जाएगा, जैसे कि इस केस में हम देखें नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर है, तो नाइट्रोजन थोड़े दूर दूर हैं, 147 पिकोमीटर। अब एक और नाइट्रोजन पेयर बन गया, मतलब कि 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो देखिए 124 हो गया, मतलब कि और अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो थोड़ा पास आ रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। अब 3 हो गए, मैक्सिमम वो 3 कर सकता है, अब 3 हो गए, 3 में 110 इन सबसे कम हो गया, तो मतलब कि 110 मतलब जब और ज़्यादा हो गए, जब 3 हो गए तो क्या होगा आपका,
सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा। यही बताने की कोशिश करी है कि जब नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, इंक्रीज करना, और जो डिस्टेंस होगा एटॉमिक बॉन्डेड एटम्स का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लुईस स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।